कि जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे थे तो एक मोमिना बूढ़ी खातून रोज अल्लाह के नबी के पास अपनी गठरी लेकर आती और कहती अल्लाह के नबी कश्ती कब रवाना होगी हजरत नूह अलैहिस्सलाम फरमाते अभी देर है वो औरत शाम तक बैठी रहती और फिर उठकर चली जाती और अगले दिन फिर आ जाती एक दिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए औरत जब जाना हुआ तो तुम्हें बता दिया जाएगा वो औरत वापस चली गई और इंतजार करने लगी कि कब नूह अलैहिस्सलाम बुलाएंगे इसी दौरान अजाब आया और कश्ती रवाना हो गई लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इस औरत को न बुलाया जाहिरी तौर पर नूह अलैहिस्सलाम को इसको बुलाना भुला दिया गया तूफान ने पूरी दुनिया में हर तरफ तबाही मचा दी और जो भी इस कश्ती में मौजूद था बस वही जिंदा रहा जब तूफान थम गया तो एक दिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दिल में मोहब्बत उठी कि शहर को देखूं, जहां से मैं चला था जब वहां आए और करीब जाकर देखा तो एक झोपड़ी में दिया जल रहा था हजरत नूह अलैहिस्सलाम ये देखकर चौंक गए कि रुए जमीन पर कोई ऐसा घर भी है इतने अजीम तूफान के बाद भी जिसमें चिराग जल रहा है उन्होंने वहां तकबीर बुलंद की वो औरत सामान लेकर बाहर आ गई और कहने लगी या नबी अल्लाह क्या कश्ती तैयार है चलें। हजरत नू अलैहिस्सलाम ने हैरत से उसको देखा और फरमाया रुको क्या तुम्हें कुछ भी पता नहीं चला वो कहने लगी या नबी अल्लाह क्या नहीं पता चला आपने फरमाया इतना बड़ा सैलाब आया बारिश हुई क्या तुम्हें कुछ भी पता नहीं चला बुढ़िया कहने लगी या नबी अल्लाह बस एक दिन बादल गरजे थे और कुछ हल्की सी फुहार पड़ी थी हजरत नू असलाम हैरान होकर आसमान की तरफ देखने लगे और कहा मेरे अल्लाह ये क्या माजरा है अल्लाह ताला ने हजरत नू असलाम पर वही भेजी ऐ मेरे प्यारे नबी इस औरत के दिल में चूंकि तुम्हारी मोहब्बत थी और तुमने उसे पाबंद कर दिया था और चूंकि तुम्हारा इससे वादा भी था कि निजात की कश्ती में उसे ले जाओगे तब जबकि तुमने अपना वो वादा पूरा नहीं किया लेकिन ऐ नूह मैं तो तुम्हारे वादे का जिम्मेदार था इसलिए मैंने इस बुढ़िया तक अजाब पहुंचने ही नहीं दिया हजरत सज्जाद रहमतुल्लाई ने अपने पास बैठे लोगों से फरमाया मोमिनो यह हदीस कयामत तक के मोमिनों तक पहुंचाना तुम पर वाजिब है इन्हें बता दो कि जिसने हमसे मोहब्बत की कयामत का अजाब जरूर आएगा लेकिन जैसे इस बुढ़िया को पता नहीं चला मोमिनों को भी पता नहीं चलेगा कि कब कयामत आई और कब चली गई आपसे गुजारिश है कि फेसबुक पर हमारे पेज प्यारा दीन को फॉलो करें लाइक करें और शेयर भी करें